So guys, welcome to a brand new episode of TG Talks. और ये एपिसोड मैं काफ़ी जैसे कहते हैं ना इट्स गोना बी वेरी थॉट प्रोवोकिंग. आपको कई चीज़ें सोचने पे मजबूर करेगा बिकॉज ये बिलीव इट और नॉट ये इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे एपिसोड क्यों बनाना पड़ा. जैसे आपको पता है आई कीप इंटरव्यूइंग लॉट मेनी बॉडी बिल्डर्स पीपल बिजनेसमैन हर एक का. सो मैं एक आई रीच आउट टू वन बॉडी बिल्डर. उनका मुझे किसी से मैसेज आया कि सर ही इज़ अ गे बॉडी बिल्डर. I was like, okay, I would love to capture him. But he said कि सर वो इंडिया में ज़्यादातर क्या इंडिया में तो कोई गे के बारे में वैसे भी बात करते हुए इतना हिचकिचाते हैं और ये तो गे बॉडी बिल्डर बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज अ मैनली स्पोर्ट मसल्स ये वो हाउ कैन ही बी गे. आई सेड नहीं यार बट मैं तो इंटरव्यू करना चाहूँगा उनको बिकॉज आई एम श्योर यू नो बिकॉज बींग गे इज नेचुरल लाइक यू नो इट्स ऑल अबाउट प्रेफरेंस. और उनकी कोई भी प्रेफरेंस हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है. हमें तो उनकी स्टोरी जाननी. हमें चाहते हैं कि यार वो इंस्पायर करें सबको डिस्पाइट बींग वट एवर यू नो ही इज फॉलोड हिज पैशन. बट वो मेरे से कैमरा पे भी नहीं आ पाए. वो मुझसे फ़ोन पे उन्होंने बात करी नहीं. वॉज वेरी एम्बेरस्ड बट ही डिडंट वांट मी टू नो कि उनका नाम क्या है. मतलब हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे वो बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हैं बट नोबडी नोज कि वो गे हैं. और वो जिसे कहते हैं ना हमारी कम्युनिटी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में ही है बट ही डज नॉट वांट टू कम आउट आउट ऑफ द क्लोजेट ऑफ बीइंग गे. सो ये मेरे बात को बहुत ये बात मुझे बहुत चोट लगी. इस पे लगी आई सेड यार आप इतनी मेहनत कर रहे हो सब कुछ कर रहे हो एंड यू स्टिल नॉट कमिंग आउट बिकॉज आपको लग रहा है कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. लोगों को लगेगा कि यार ये गे है आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी. इट्स क्रेजी इट्स सैड. और ये चीज़ें बदलनी है बिकॉज हमारी सोसाइटी स्पेशली इंडिया बहुत ही इंटॉलरेंट है इस चीज़ों को लेके. वो गंदे गंदे कमेंट्स अगर कोई गे है एलजीबीटी कम्युनिटी से अबे ये तो गे अबे ये तो लड़की अबे ये तो वो है इट्स टेरेबल. सो इस वीडियो के थ्रू आई वांट टू एड्रेस दिस. और मेरे साथ बैठे हुए हैं बहुत अच्छे ऑथर हैं. इनकी मैंने किताब पढ़ी शुभजीत इनका नाम है. इनकी किताब यहाँ पर पढ़ी ऑरेंज स्काई ब्लू सन. तो आई वॉज रीडिंग दीज बुक्स. आपको पता है जैसे मैं काफ़ी किताबें पढ़ता हूँ लिखता हूँ तो उसमें इन्होंने गे यू नो बींग गे एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी हुई बिकॉज द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी गाइज. अगर आपने बुक चाहिए मैं अमेजोन पे लिंक है इनका. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा डू चेक इट आउट. तो इसमें एक चैप्टर है इनका जिसमें इन्होंने गेस के बारे में बात करी है. लाइक यू नो दिस इज वन बॉय हु इज गे एंड यू नो बट उसके जो पेरेंट्स हैं यू नो दे डोंट एक्सेप्ट इट कि यार मेरा लड़का गे कैसे हो सकता है राइट. मुझे लगा यार यही तो स्टोरी है सारे इंडिया के जो भी लड़के जिनकी प्रेफरेंस यू नो हु आर फ्रॉम दिस कम्युनिटी. तो मैं चाहता हूँ इनसे मैंने बात करूंगा और मैं इनका नज़रिया जानूंगा बिकॉज ये भी इस कम्युनिटी के लिए काफ़ी कुछ करें. एक बुक इन्होंने किताब लिख दी है इस पर. यू कैन इमेजिन कि इनका नज़रिया कितना ओपन होगा कितने ये इस पर्सपेक्टिव को लेके डीप होंगे बिकॉज इस वीडियो के थ्रू मैं चाहता हूँ आप भी अपनी सोच बदलें और आप भी एलजीबीटी कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी को लेके ये मत बोलिए ना उनका मजाक बनाए ना कुछ करें बिकॉज ये करना बहुत ही ज़रूरी है. सो मेरे साथ बैठे हुए हमारे शुभजीत मजुमदार भाई. सो हाउ आर यू शुभजीत वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच तरुण फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो. इट्स सच एन ऑनर एंड अ प्लेजर. सो एब्सोल्युटली सो शुभजीत एज यू कैन इमेजिन यू नो मजुमदार सो ही इज फ्रॉम आवर लिटरली लैंड ऑफ कोलकाता. सो शुभजीत हिंदी में बात करेंगे. आई नो आपकी हिंदी थोड़ी सी वीक है बट दैट्स ओके बिकॉज़ मैं कोशिश करूंगा हिंदी में. सो शुभजीत मैंने आपको जैसे बताया यू नो आई हैव दिस बॉडी बिल्डर एक दोस्त है. मतलब वो है दोस्त क्या मतलब ही वॉन्टेड टू बी ऑन द शो और मैं चाहता था कि वो ही शुड टॉक अबाउट इट कि यार इट्स हिज प्रेफ उसकी तो प्रेफरेंस ही है ना बीइंग गे राइट. देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. इट्स लाइक आई एम ऑन अ शो एंड से कि यार आई लाइक दिस गर्ल वो मेरी प्रेफरेंस है. अब उसको गलत सही का दर्जा तो देने वाले हम एज अ सोसाइटी है ना. आपका मैंने चैप्टर पढ़ा वो बुक का जिसमें आपने एक पूरी एक कहानी लिखी है. सो वॉट इंस्पायर्ड यू कि मतलब कि बिकॉज आपने भी चीज़ें काफ़ी देखी होंगी अपनी लाइफ में राइट. हाँ मैं यू नो जैसे यू नो हम सब देखते हैं हमारे इर्द गिर्द काफ़ी लोग रहते हैं या काफ़ी बिहेवियर्स और कुछ टाइम हम ऐसा करते हैं कि लेकिन उसको नज़रअंदाज कर देते हैं. बट ऐसा भी होता है कि कभी हम सोचते हैं जब हम अकेले होते हैं कि लाइक यू नो एम आई एन एस्केपिस्ट और एम आई हैविंग दिस सिंड्रोम जो यू नो आम आदमी की जिस सिंड्रोम है द क्राउड सिंड्रोम. तो मेरा भी वैसे ही कुछ लाइक यू नो सोच था और फिर मैं सोचा कि लाइक यू नो लेट मी बी ऑनेस्ट. तो मैंने मेरी जो कहानी है वी हैव ऑल चेंज्ड फ्रॉम माय बुक ऑरेंज स्काई एंड ब्लू सन आई हैव ट्राइड टू कैप्चर जो इमोशन होती है एक फैमिली में और इन अ नेचुरल सेटअप. यू नो ये हो सकता है आप यू नो कोई भी स्टार्टअप ऑफ द सोसाइटी में हो यू नो अमीर हो सकते हैं गरीब हो सकते हैं लेकिन हर बार आपको दबाया जाता है और बींग गे और यू नो
दैट गे इज वन, बट यू नो इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें, ये ऐसा भी होता है कि आपकी फीलिंग्स को आप सप्रेस करके रखते हैं. तो मेरे हिसाब से इफ यू लुक इनटू एलजीबीटी गे और एनी ऑफ दीज आर फीलिंग्स, तो आप ये फीलिंग्स और ये इमोशंस को दबा के रखते हैं बिकॉज द सोसाइटी ने एक दायरा आपके लिए बना के रखे हैं और एक लक्ष्मण रेखा टाइप्स, और आपको बताया जाता है कि आप उसी बॉक्स के अंदर ही रहेंगे, और वो जो रूल्स हैं वो रूल्स किसने बनाए. सो मेरा ये था कि आई वॉन्टेड टू अटैक दैट कन्वीनियंस सिंड्रोम, दैट सिंड्रोम ऑफ बिहेवियर ऑफ एक्सेप्टेंस. मेरा ये था कि हमारे सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, क्या हम मेरे कहानियों के माध्यम से इसे थोड़ा लोगों की सोच बदल सकते हैं, इनकी जो आउटलुक है, इट कैन इट बी मेड लिटिल ओपन. तो ये मेरा यू नो मेन मकसद था इस कहानी के थ्रू. नहीं, मैंने पढ़ी वो कहानी, वो मैंने आपने मुझे बताया भी, इट्स वेरी, से कहते ना, दिल को छू जाती है ऐसी कहानी, राइट. आपने अपनी ऑब्वियसली आपने एक किताब लिख दी इसके ऊपर, तो आपने काफ़ी विटनेस करा होगा अपने अपने इर्द गिर्द आस पास कई लोगों के साथ, तो जस्ट शेयर दैट विद मी, बिकॉज क्या है ना, वो चीज़ें ऐसी हैं, एक इमोशन जिस तरीके से वो गुजरते हैं लोग, विच हर्ट्स मी, बिकॉज मेरे काफ़ी गे दोस्त हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ देम एंड दे आर प्राउड ऑफ मी, क्योंकि क्या है, जैसे आपने भी कहा एक फीलिंग है, तो हाउ कैन यू सप्रेस दैट फीलिंग, हाउ कैन यू मेक दैट पर्सन लुक बैड. आप मुझे बताइए आपके क्या इंसिडेंट्स रहे हैं वहाँ पे. काफ़ी इंसिडेंट्स रहे हैं, यू नो, बचपन से जब मैं स्कूल में था तो मेरे साथ मेरे भी, मैं पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे भी यू नो माइंड सेट जो था वो बड़ा ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल था, तो मैं भी यू नो समझ नहीं पाता था कि ऐसे भी फीलिंग्स कैसे हो सकते हैं, तो बड़ा लीनियर थॉट था मेरा. तो जैसे मैं स्कूल के दिनों में, मैं जब सेवेंथ और एट्थ स्टैंडर्ड में कोलकाता में पढ़ता था, तब डॉन बॉस्को पार्क सर्कस में, तो हमारे स्कूल में यू नो एक दो ऐसे लड़के थे वो आर मोर फेमिनिन, और वो जैसे डांस में इंटरेस्टेड ज़्यादा रहते थे, खेल कूद हम जब करते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, वो साइड में कोने में बैठे रहते थे, वो खेलते नहीं थे. सो यू नो देर वॉज नॉट मच ऑफ, वो मर्दांगी वाली वो चीज़ नहीं थी जो बॉयज स्कूल में होता है टिपिकल. तो हम उनको आइसोलेट करते थे, उनके मजाक उड़ाते थे, तो मैं भी उन लोगों में शामिल था जो उनके मजाक उड़ाते थे, एंड आई एम एब्सोल्युटली ओपन अबाउट इट, है ना. तो इसके बाद ऐसे जो लड़के थे वो, उसके बाद जब हम स्कूल ख़त्म किए वो कहाँ गए मुझे कुछ पता नहीं था, मीन लॉस्ट कनेक्शन. उसके बाद मैं जब नौकरी करना शुरू किया तो मैंने बिकॉज ऑफ माई जॉब मैंने काफ़ी यू नो कंट्रीज़ में मैंने टाइम बिताया, जैसे साउथ अफ्रीका, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में, अब जब जहाँ मैं रहता हूँ अभी, तो वहाँ भी मैं एलजीबीटी कम्युनिटी को काफ़ी क्लोजली देखा हूँ. एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार हम लोग केप टाउन में थे, तो मेरे एक कलीग थे जो गे कम्युनिटी के थे, एलजीबीटी, तो मैंने, ही वाज अ मैन बिट फेमिनिन, तो मैं मेरी बीवी और मैं और मेरी बीवी उनको इनवाइट किया कि लेकिन आप आइए डिनर करें हमारे साथ, और आप अपने स्पाउस या पार्टनर को लेके आए. तो हम वेट कर रहे थे रेस्टोरेंट के बाहर केप टाउन में, और हम ये सोच में थे कि लाइक यू नो कोई नो उधर से जो आ रहे हैं, लाइक यू नो देयर मस्ट बी अ कपल कमिंग, हस्बैंड एंड वाइफ टाइप्स, और ये हमारे एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग थी कि लाइक यू नो यही सोचती कि लाइक यू नो शायद ये ऐसे ही होगा कि यू नो स्पाउस मींस बाय डिफॉल्ट लड़की होगा, क्योंकि हमने लड़के को इन्वाइट किया था. तो मैं देखा वो कहीं दूर से ऑन द अदर साइड ऑफ द मॉल से दो लड़के आ रहे हैं, और मैं बड़ा चौंक गया. मैं अपनी पत्नी से कहा कि लाइक क्या हो रहा है, वो अपनी बीवी को छोड़ के किसी दोस्त को क्यों लेके आए. अच्छा, ये सोचती उस मेरी ये सोचती. तो आई वॉज लाइक यू नो एब्सोल्युटली लाइक यू नो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट. फिर जब हम खाना खाएं और हम बातें कर रहे थे, तो मैं ऐसे बता रहा था उनको कि यू नो हमारे जो नोक झोंक होते रहते हैं हस्बैंड वाइफ के, तो ये बता रहा था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हमारे साथ भी होता है. तो मैं और भी थोड़ा अचंभे में आ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि दो लड़कों में रिलेशन, ए विच वॉज लिटिल बिट ऑफ यू नो शॉक टू दैट टाइम, है ना, कैसे कैसे, और फिर वो इमोशन, वो फीलिंग कैसे आ सकती है, दैट इज दैट हैपेंस बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन. बट अगर आप देखोगे, इट इज़ अ वेरी नेचुरल फिनोमिनन, राइट फ्रॉम लाइक यू नो वेरी एंशियंट एजेस. आप खजुराहो के भी आप मूर्ति के Correct. वो देखोगे जो यू नो द होल यू नो और वॉट एवर इज लाइक यू नो आर्किटेक्टेड देर आर रेफरेंसेज ऑफ ऑल दिस. सो इट इज़ नेचुरल, हम इसको दबा के रखते हैं. तो ये सारे जो चीज़ें, फिर एक बार मैं जोहान्सबर्ग में भी मैं एक प्रोजेक्ट के लिए गया था, तो एक बार मैं जब गया था 3 महीने पहले, तो एक देर वॉज दिस गाय, तो ही वॉज गे एंड ही वॉज गोइंग थ्रू अ सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी.
सेक्स चेंज सर्जरी, हाँ, तो उसे सेक्स रीअसाइनमेंट कहते हैं टेक्निकली. मैं तो बुक के लिखने के टाइम थोड़ा रिसर्च के समझ गया, हाँ, मैं थोड़ा वो सीखा मैं. तो फिर जब मैं पहले गया था तो ही वॉज इंट्रैक्टेड मी एज अ मैन. तो दूसरे 3 महीने बाद गया उस इंसिडेंट का जॉनिसबर्ग, तो डिनर पे हम मिले, इट वॉज अ कॉर्पोरेट डिनर. तो मैं देखा ये 6 फुट 2 इंच का, इट लुक्स वेरी सिमिलर टू दैट पर्सन आई मेट लास्ट टाइम, बट ये ऐसे लंबे बाल हो गए हैं और लाइक यू नो ड्रेस्ड एज अ वूमेन, ये कौन है? मीन इनसे तो मिला नहीं मैं कस्टमर स्पेस में सबके साथ मिला हूँ. तो फिर उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस कराया, तो मैं बोला कि यू हैवन, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराया खुद को कि हम मिले नहीं शायद, और ये मेरा नाम है शुभदीप. और उन्होंने कहा वी हैव मेट, यू नो आई वॉज यू नो दिस. एंड टू बी ऑनेस्ट दैट वॉज अ रेफरेंस दैट आई टुक टू राइट द स्टोरी. तो आप 3 महीने पहले किसी से मिले? दिस वॉज लाइक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बैक, बट आई ये सारा जो हुआ रेफरेंस की 10 साल पहले मैं साउथ अफ्रीका जबकि जॉनिसबर्ग में मैं एक इनसे मिला था वो आदमी है जब मिले, हाँ, और 3 महीने बाद जब उनसे मिला एक कॉर्पोरेट इवेंट में डिनर पे, तो सेक्स चेंज हो गया था उनका. शी टर्न इनटू अ वुमन, वुमन ही हैड टर्न इनटू अ वुमन, ही वाज ही बिकेम अ शी. मतलब तो मैं थोड़ा सा मैं पीछे हो गया 2 स्टेप कि ऐसे भी हो सकता है और क्यों करेंगे लोग, वही इंडियन माइंडसेट है हमारा, इंडियन माइंडसेट कि यार ये कैसे होगा, ये क्यों करा इसने, ओ शेम, राइट, एग्जैक्टली. और मैं खुद को मैं समझा नहीं पा रहा था कि ऐसे क्यों होगा. आई मीन आई वाज लुकिंग एट इट विद लाइक डिसडेन कि कैसे हो सकता है, ये अचंभ में था कि ये हो ही नहीं सकता. सो दैट वाज एन इंस्पिरेशन, दैट वाज अ ट्रिगर. एंड देन ये मैंने जो कहा आपसे कि लाइक यू नो ये एक सोच है, एक फीलिंग है, एक अनुभूति है, तो ये मैं थोड़ा उसको पकड़ के रखा. और फिर थ्रू माई इंटरेक्शंस जब मैं बाहर रहा, और इवन नाउ अभी जो यू नो एक साल पहले the whole you know landscape changed for the LGBT community in India. So incidentally I was not you know following that because I was in Sydney, and when I finished writing this story then I caught the news that you know there was a transformation happened in Indian you know legal framework you know. Correct. For their acceptance. So main socha ki it is very timely. So wo jo reference tha, my inspiration was that character who I met 10 saal pehle. Aur hence द टाइटल जो मेरी कहानी की है, वी हैव ऑल चेंज. अगर आप देखेंगे हम सब बदलते हैं यू नो जब हम पैदा होते हैं, और हमारी जो लाइफ की ट्रांजिशन है टिल डेथ हम बदलते रहते हैं, हमारी सोच बदलती है, हमारी फिजिकलिटी बदलती है. और तो क्यों ना हम इन लोगों को हमारी सोच बदलें, तो बहुत जरूरी है यार शुभजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं देख रहा था आपकी बुक में ये ना एक जो मुझे स्ट्राइक करी बात, सबसे बड़ा इशू पेरेंट्स का है. पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि यार मेरा लड़का ऐसा कैसे हो सकता है. आपकी बुक में भी वही, राइट? सो फैमिली ऑफ लॉयर्स, उन्हें लगता है कि यार ये क्यों लड़का ऐसा निकल के आ गया, और वो उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं, वो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, राइट? बट द गुड पार्ट इज जैसे आप दर्शाने की कोशिश कर रहे हो, और एक सीरीज भी अमेजोन प्राइम पे मेड इन हेवन, दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इट वेरी ओपनली, बिकॉज ताकि लोगों एक माइंड सेट खुले, राइट? सो इस बुक में भी इन एंड द वे योर एक्सपीरियंस हैज बीन, राइट, तो आपको लग रहा है कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं, आर वी प्रोग्रेसिव इनफ कि यार हम एक टाइम आएगा कि जब फॉर अस इट विल बिकम नॉर्मल, बिकॉज अभी नॉर्मल नहीं है ये. हम कोशिश करते हैं नॉर्मल रहने की, लेकिन एक दिस इज अ पार्ट ऑफ अस, मेरा तो नहीं, बिकॉज वी आर वेरी प्रोग्रेसिव एज ऑथर्स, एज ह्यूमन बींग्स, बट कई लोग ऐसे हैं, 99% लोग ऐसे हैं, वो आज भी उनको ऐसे देखते हैं जैसे कुछ उन्होंने गुनाह करा हुआ है. तो बिल्कुल बिल्कुल, आपको लगता है वी नीड टू, मतलब अब व्हाट विल मेक दिस हैपन, व्हाट विल मेक द चेंज हैपन? मेरे ख्याल से देखिए चेंज इज अ एक स्लो प्रोसेस है मेरे हिसाब से, और चेंज तभी आता है जब आप एक इम्पैक्ट लाते हो सोसाइटी में और आप सोच बदलते हो, और ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस है, बट इसके लिए काम करना ज़रूरी है इन अ कंटिन्यूस मॉडल. तो अगर आप देखें सोच की बात आप जब कर रहे हैं, इंडिया की अगर पॉपुलेशन देखें उसमें ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पॉपुलेशन गाँव में रहते हैं, रूरल पॉपुलेशन है. तो मेरे ख्याल से अवेयरनेस हमें बढ़ाना चाहिए, यू नो अस एज ऑथर्स थ्रू अ प्लेटफॉर्म एज स्टोरी टेलर्स, हम कहानी लिखते हैं और वो कहानी अगर लोगों को छू जाते हैं और वो रियलाइज़ करते हैं कि हमारा नज़रिया या सोच उनके तरफ थोड़ा सा सहनशील बनाए, तो क्यों ना टॉलरेंट, यू राइट, तो ये जो है इंक्लूसिव टॉलरेंट. और आप देखें कि वो भी इंसान है, हम अपने हिसाब से सोचते हैं और ये अपने मन में ये फैसला कर लेते हैं कि लेकिन यही सही है, लेकिन उसको थोड़ा सा और अगर हम ओपन रखें और
इंक्लूसिव बने कि लाइक यू नो उनका भी जो सोच है वो गलत नहीं है, वो उनकी तरह सोच रहे हैं, इट्स अ फीलिंग। आप देखिए ना, जो मैं बॉडी बिल्डर की बात करी, वो ही डज नॉट इवन वांट टू कम आउट, कि वो मुझे बताना ही नहीं चाहता कि मैं कौन हूं। क्यों नहीं बताना चाहता है? क्योंकि इसके आप देखेंगे ये बताना इसलिए ये एक डर है, वो डर जो है वो समाज की डर है ना, कि मैं ये अगर मैं ओपन हो जाऊं तो समाज इसे कैसे लेगा, मेरा आइडेंटिटी में कैसे फर्क पड़ेगा, मेरा जो रोजी रोटी है उसमें क्या फर्क पड़ेगा। सो ये जो सोसाइटी, अगेन ये जो चीज़ है एक सोच की बात है, और सोच हम हमारे तरफ से हमारे राइटिंग या हमारे कहानियों के से लाइक यू नो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और चेंज करने की कोशिश करते हैं। वेरी नाइस। सो आई थिंक सोच तो हमें सबको पता बदलने की ज़रूरत है, बट आई एम श्योर ये वीडियो वो बॉडी बिल्डर भी देख रहे होंगे, और मैं इस वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट करूँगा, और जो भी हैं यू नो एनीबडी यू नो, चाहे आप, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे आप गे हो, कोई हो, टू मी योर ह्यूमन, और हम सबकी एक स्टोरी है, प्लीज़ कम आउट एंड शेयर योर स्टोरी। अगर आपको नहीं बताना चाहते अपनी प्रेफरेंसेज, इट्स एब्सोल्युटली ओके, बट समाज से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई थिंक समवन हैज टू टेक दैट कॉल, समवन, हमें अपने आप को एक टॉलरेंट बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात गाइस, इस वीडियो का मैं दो तीन मैसेज दूंगा आपको जाते जाते। वन, व्हेनेवर यू सी समबडी जिसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस डिफरेंट है आपसे, डोंट मेक फन, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे हो, देख के कभी भी मत हंसिएगा उन पे, राइट? और दूसरी बात, मैं क्या देखता हूँ कि जो लोग अपनी प्रेफरेंसेस को लेके ओपन होते हैं यू नो, वो चाहे सोशल मीडिया पे हो, आई सी लॉट ऑफ ट्रोलिंग। ट्रोलिंग तो सबको होती है ना यार, बट ट्रोल करो उनके काम पे, नॉट उनकी सेक्सुअलिटी पे। तो मुझे बहुत गुस्सा लगता है, देखता हूँ कि यार दिस इज रॉन्ग, मजाक मत बनाइए और किसी की सेक्सुअलिटी का मजाक बनाए। इमेजिन करिए अगर आपका कोई मजाक बनाए और आपके बारे में बोले अरे इसको तो लड़कियां पसंद है, एंड दे टॉर्चर यू लाइक दिस, कैन यू चेंज? क्या आप लड़कियों को लड़कों पर आ जाओगे? नहीं आओगे ना, बिकॉज दैट्स योर प्रेफरेंस। सिमिलरली किसी की प्रेफरेंस कुछ और है, रिस्पेक्ट दैट। सो दैट्स द ओनली मैसेज इन दिस वीडियो, एंड आई वांट टू थैंक शुभोजीत फॉर टॉकिंग टू अस ऑन दिस। थैंक यू सो मच। बुक में सारी आपने देखा, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ग्रेट स्टोरी, ज्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत अच्छी स्टोरी, डू चेक इट आउट। अगर आपको लगेगी आई एम श्योर यू, कई स्टोरीज ऐसी हैं जो आपको दिल को छू जाएंगी, मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, पढ़िएगा और अपना माइंड सेट ओपन करेगा और मुझे बताइएगा कि हाउ इट हैज़ चेंज यू। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। नाउ आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।